In this section, I will be telling you the various techniques that are used to manage risk. So, whenever we are intending to invest or we want to set up a business or we want to do any sort of investments in any type of investment opportunities, we have to face risk. So, there are several standard ways of managing the risk that you are expo exposing yourself to. When you are intending to invest or participate in any business activity. So, the four major techniques that are used to manage risk include risk avoidance, loss prevention and control, risk retention, and risk transfer. So, I'm going to explain each one of them um, in detail. But when we say risk avoidance, it means that the investor or the Businessman or the financial decision maker is consciously trying to avoid risk. That means they are managing the things in such a way that if there is any option which includes a high level of risk, which exposes the businessman or an investor to a high level of risk, they will try. To avoid these kinds of situations or these kinds of options, and they will, they will try to expose themselves only to those situations which have a minimum or lower level of risks. So, for example, if you are scared that you might get any disease or any sickness, or you might get um, yourself hurt in a road accident, the risk avoidance in this case. implies that you don't go to the highways or you don't go out, you don't meet people in order to avoid germs, in order to avoid any sort of sickness. So अगर एक्सीडेंट से बचने के लिए आपको लग रहा है कि ट्रैफिक में जाएंगे और रोड pe जाएंगे या हाईवे pe जाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है तो देर वुड बी सच पीपल जो कि रिस्क अवॉइड अवॉइडेंस की स्ट्रेटजी को फॉलो करके रिस्क को मैनेज करना चाहते हैं तो वो अपने आप को इस तरह के कोई भी एक्सपीरियंसेस uh, के साथ में एक्सपोज नहीं करते जहाँ रिस्क इन्वॉल्व होता है तो दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटी इज कॉल्ड रिस्क एवॉइडेंस बट समाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कम्प्लीटली अवॉइड रिस्क बिकॉज यू वेन यू आर इफ यू आर इंटेंडिंग टू इन्वेस्ट सम इन सम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज या आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको सम वॉट जितना भी आप रिस्क अवॉइड करेंगे आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रिस्क से एक्सपोजर हो जाता है दूसरी जो मैनेजमेंट की टेक्निक है रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक दैट इज द लॉस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल विच मीन्स दैट जो इन्वेस्टर है या जो बिजनेस है वो कुछ इस तरह के मेयर्स लेता है जिससे जो लाइटलीहुड है यानी कि प्रॉबिलिटी है ऑफ द सवेरिटी ऑफ एनी इंसिडेंट या लॉसेस उस सिवेरिटी को कम करने के लिए वो कोई इस तरह के कोई एक्शन या कोई कॉन्शियसली प्लानिंग करता है कि मुझे किस तरह से इस पर्टिकुलर कोई भी हादसा या कोई भी जो अनसर्टनिटी अनसर्टेन uncertain वाली सिचुएशन है उससे मैं अपने आप को कम से कम किस तरह से मैनेज कर सकूं प्रिवेंट कर सकें सो दीज टाइप्स ऑफ एक्शंस कैन बी टेकन बिफोर गेटिंग एक्सपोज टू अ सर्टन एक्टिविटी ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी या आफ्टर गेटिंग एक्सपोज टू या रिस्क की सवेरिटी को नुकसान जो हो रहा है लॉसेज उसकी सवेरिटी को मिनिमाइज करने के लिए कोई स्ट्रैटीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं थर्ड मैथड इज रिस्क रिटेंशन इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टर है उसके पास जो फाइनेस हैं वो सफिशेंट हैं कि अगर कोई इस किस्म की कोई लॉसेस हो जाती हैं या कोई नुकसान वाली कोई बात हो जाती है या नुकसान हो जाता है किसी बिजनेस में तो वो उसको बियर कर सकते हैं उसको वो बर्दाश्त कर सकते हैं उसका मुतहमल हो जाते हैं विदाउट टेकिंग एनी माइर्स सो दे जस्ट रिटेन दे ट्राई टू दे ट्राई टू फॉलो दिस पॉलिसी ऑफ रिस्क रिटेंशन दैट दे आर इफ़ दे गेट एक्सपोज टू द रिस्क सो दे फुली बियर द एक्सपेंसिस जो भी कोई नुकसान हो रहा है या डैमेज हो गए हैं तो उसमें वो अपने आप को ख़ुद ही उसका नुकसान पूरा करने की कोशिश करते हैं बेस्ड अपॉन वॉट एवर दे हैव जो भी उनकी फाइनेंसिस हैं उसकी मदद से वो उस, उसको नुकसान को पूरा करेंगे तो जो लास्ट हमारे पास ऑप्शन है दैट इज रिस्क ट्रांसफ़र रिस्क ट्रांसफ़र एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की मदद से या और बिजनेसमैन या इन्वेस्टर्स की मदद से अपने अपना एक्सपोजर टू अ सर्टन रिस्क को उनको उनकी तरफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसको इस ट्रांसफ़रिंग ऑफ रिस्क के लिए हम जो डिफरेंट मैथड्स देख सकते हैं वो उनमें एक ये है कि आपको लग रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई ऐसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें कोई एक फ़ाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में एक्सपोजर टू रिस्क काफ़ी हाई है यानी कि वो रिस्की एसेट है तो उसको आप किसी को बेच दें तो ऐसा करने से क्या हो रहा है आप रिस्क को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और इसी तरह से अगर आप अपने लिए अपने बिज़नेस के लिए अपने कारखाने के लिए इंश्योरेंस बाय कर लेते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ ट्रांसफरिंग योर रिस्क टू द इंश्योरेंस कंपनी कि आप उनको प्रीमियम दे रहे हैं और इन केस ऑफ एनी डैमेजेस कोई फायर है या कोई भी थेफ्ट हो जाती है कोई नुकसान हो जाता है आपके गैजेट्स का या फैक्ट्री का या सामान का या खुद लाइफ इंश्योरेंस भी हो सकती है तो इन दैट केस समबडी एल्स इज गोइंग टू बीयर द लॉस राइट सो दिस इज डीज आर द फोर वेज टू विच द Risk can be managed. So, we can go for either uh, any one of these or we can simply pick up the combination. So, we can go for the risk avoidance, we can take myers to prevent the losses and control, and then we can have the risk retention option. And then the last one is that you transfer the risks to some third party.